नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच साउथहैम्प्टन के दायजेस बाउल स्टेडियम में खेला गया। टीम इंडिया को मैच के छठे दिन न्यूजीलैंड ने 8 विकेटों से हरा दिया था और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के खिताब पर कब्जा कर लिया था। इस हार के बाद जैसी कि उम्मीद थी कि टीम इंडिया की जमकर आलोचना होगी और हुआ भी वही। विराट कोहली के साथ साथ टीम इंडिया को जमकर खरी खोटी सुनाई गई। टीम इंडिया की हार को लेकर बहुत सारे विश्लेषण किए जा रहे हैं। कोई प्रैक्टिस मैच की कमी को वजह बता रहा है तो कई दिग्गजों ने टीम में तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर्स की कमी को बड़ी वजह बताया है। हालात और परिस्थिति के अनुसार रविंद्र जडेजा WTC के फाइनल में खेलने लायक नहीं थे, फिर भी उन्हें ऑलराउंडर की भूमिका को देखते हुए खिलाया गया, जबकि शार्दुल ठाकुर उनसे बेहतर विकल्प हो सकते थे। जब हार्दिक पांड्या टीम में नहीं थे तो ऐसे में शार्दुल को टीम में होना लाजमी था, क्योंकि वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो बल्लेबाजी भी कर सकते हैं और तेज गेंदबाजी भी, और इंग्लैंड की पिचों पर तेज गेंदबाजों का ही बोलबाला रहता है। लेकिन उनकी बदकिस्मती थी कि उन्हें विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम में भी जगह नहीं मिली थी। मौजूदा भारतीय टीम में जडेजा और पांड्या ब्रदर्स को छोड़कर कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो गेंद और बल्ले से बहुत ज़्यादा योगदान दे सकता है। रविंद्र जडेजा भले ही टेस्ट में ऑलराउंडर्स के नंबर एक पर हैं, पर विदेशी धरती पर उनका प्रदर्शन कमजोर रहा है। देश में कपिल देव जैसे अच्छे ऑलराउंडर्स पैदा किए हैं, लेकिन टीम इंडिया इस समय ऐसे खिलाड़ी की कमी से जूझ रही है जो तेज गेंदबाजी और बल्ले से धमाल मचा सके। इस मामले में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव ने भी अब बयान दिया है। उन्होंने कहा, हम साल के 10 महीने क्रिकेट खेलते हैं तो आपके चोटिल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्रिकेट आज बुनियादी ज़रूरत है कि बल्लेबाज बल्लेबाजी करना चाहते हैं और गेंदबाज भी बैटिंग करना चाहते हैं। हमारे समय में सब कुछ करना पड़ता था, इसलिए क्रिकेट आज अलग है। कभी कभी मुझे ये देखकर काफ़ी दुख होता है कि एक गेंदबाज सिर्फ 4 ओवर की गेंदबाजी करने के बाद थक जाता है। अब मैंने सुना है उन्हें 3 या 4 ओवर से ज़्यादा गेंदबाजी करने की भी इजाज़त नहीं है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि टीम इंडिया फिलहाल तेज गेंदबाज ऑलराउंडर की कमी से जूझ रही है। शार्दुल ठाकुर एकमात्र उम्मीद नजर आते हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि हाल के दिनों में टीम इंडिया को जल्द ही कुछ अच्छे ऑलराउंडर्स मिलेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे वन इंडिया के साथ।